क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेणा कथायां सक्षणा हरे कलिम आगतम आज्ञाया। ये जानते हुए आज्ञाया मतलब ये जानकर कि कली आ चुका है। क्षेत्र अस्मिन वैष्णवे वयम इस अस्मिन मतलब इस वैष्णव क्षेत्र में वयम मतलब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। समझ में आ रहा है पहले लाइन और उसके बाद कह रहे हैं आसीना दीर्घ सत्रेना। दीर्घ मतलब होता है बहुत लंबा, आसीना मतलब हम लोग अब बैठे हुए हैं बहुत लंबे समय तक हम लोग बैठे हुए हैं। किस लिए? कथायाम सक्षणा हरे अर्थात भगवान की कथा को सुनने के लिए। सक्षणा मतलब लिख रहे हैं अवसर लेकर के, इसका अर्थ यह है कि सारे क्षणों को हम भगवान की कथा में ही लगाना चाहते हैं। भगवान किसकी कथा में? तो हरि की कथा में। अनुवाद, यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए। ये कथा भी एक यज्ञ है। यज्ञ अर्थ समझ देना चाहिए। यज्ञ अर्थ ये नहीं होता है कि खाली अग्नि में आहुति देना। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न किए जाने वाले कार्य, और उसमें भगवान की कथा को सुनना, नाम जप करना, ये सब कुछ यज्ञ में आता है, ये सबसे अधिक प्रसन्न करता है। अच्छा, तो हम जरा शिला श्रीधर स्वामी जी की टीका को देखते हैं। वो लिंक बड़ा सुंदर देते हैं। कह रहे हैं एक प्रश्न उठाएं कि भाई कि आप लोगों का अध्ययन करने में और यज्ञ इत्यादि करने में बड़े आप लोग व्यग्र रहते थे, तो आपको सुनने का कथा सुनने का टाइम कहाँ है? मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें भाई आप लोग कृष्ण की लीला सुनना चाहते हो, तो भाई कृष्ण की लीला सुनने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप तो यज्ञ में लगे हुए हो, आप अध्ययन करने में लगे हो, तो समय कहाँ है? तो उस पर श्लोक बोल रहे हैं कली आगतम आ गया, मतलब कली आ गया है, ये कुछ नहीं चलने वाला, ना यज्ञ चलने वाला है, ना अध्ययन चलने वाला, कुछ नहीं चलेगा। आप भगवान की कथा सुनाइए, यही हमको पवित्र करेगी। क्या आप लिंक समझ रहे हैं? कली आ चुका है, हमें अब और किसी साधन में विश्वास नहीं है, आप केवल कृष्ण कथा सुनाइए, भगवान का नाम है, भगवान की कथा यही चलेगा, इसी को सुने। इस संबंध में महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे। कह रहे थे कि दवाइयां तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर उसकी डेट निकल जाए तो वह दवा किसी काम की नहीं। तो आप ध्यान लीजिए या पूजा इत्यादि लीजिए, यज्ञ लीजिए, वह सब पिछले युगों में तो काम करते थे, लेकिन कली वो चलने नहीं देगा। इसीलिए बोला है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति कतिरन्यथा। क्या अर्थ है इसका? कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम चलेगा। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि नास्ति नास्ति तीन बार बोल रहे हैं, मतलब कर्म से नहीं चले होगा, ज्ञान से नहीं होगा, और अष्टांग युग से कोई सिद्धि प्राप्त कर ले वो नहीं होगा, केवल भगवान के नाम से होगा, और जो नाम का आश्रय लेगा उसका होगा ही, कुछ बच नहीं सकता। बच नहीं सकता मतलब जगत में नहीं रहेगा, पार हो ही जाएगा। सीधी सीधी बात आप समझें तो बहुत आसानी रहता है। बस अब कहेंगे तो ये दोनों को अलग नहीं लेना चाहिए। भगवान की कथा सुनेंगे तो नाम करने की प्रेरणा मिलेगी, नाम करेंगे तो फिर कथा सुनने की प्रेरणा मिलेगी, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लिंक आप समझ पा रहे हैं। सबसे मजेदार बात जो या आनंदमय लगता है श्रीधर स्वामी जी को, वो लिंक बनाते हुए चलते हैं। इस श्लोक का लिंक पिछले श्लोक से क्या है? तो कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में क्या बोला, हमें कथा सुनाइए, लीला सुनाइए, तो कह रहे लीला सुनने का अवकाश कहाँ तुम्हारे पास? तो कह रहे नहीं, सक्षणा हरे, हम लोग खूब लंबा सत्र लेकर के कथा सुनना चाहते हैं। दीर्घ सत्र का अर्थ है कि आज्ञा का अर्थ आप समझ गए, ये जानते हुए कि कलयुग आ गया है। ये बात इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी समझाया था। जैसे हम लोग यहां हर हफ्ते 2 घंटे का सत्र लेते, मतलब इस समय हम और कुछ नहीं करेंगे, ना फोन चेक करेंगे, ना कुछ खाएंगे, पी सकते हो पानी, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं उठेंगे नहीं हम, तो क्या कारण है? अरे भाई कथा मिस ना हो जाए, तो ये एक सत्र हुआ ना। तो उसी प्रकार वो बोल रहे हैं कि हम 1000 सालों का सत्र लेके बैठे,
अब सुनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि हम अब हमें और कोई यज्ञ करना है और कुछ तपस्या करना और कुछ नहीं है, केवल यह उनकी श्रद्धा को दिखा रहा है, कथा में श्रद्धा है। इस कारण से कह रहे हैं कि हम 1000 साल तक भगवान के बारे में सुनने के लिए है। उसके बाद कह रहे हैं कलिम आगतम ज्ञात्वा तद्धिया विष्णुपदम गंतु कामा दीर्घ सत्रेणा निमित्ते ना अत्र वैष्णवे क्षेत्रेस्मिन। कह रहे हैं हम भगवान विष्णु के धाम को जाना चाहते हैं, इसलिए लंबा सत्र के बहाने यहाँ पे कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और वो कह रहे हैं हरे कथायाम सक्षणा लब्धावसरा, मतलब हमने जानबूझ के ये किया है ताकि हमें भगवान की चरित्र सुनने का मौका मिले। ये सत्र बना लिया है, कोई कहे भाई अरे वहां कुछ अनुष्ठान हो रहा है, चलो रहे नहीं भाई वो उठ नहीं सकते, हमने नियम हमने संकल्प बना लिया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ये कहने का अर्थ अनुष्ठान समझते हैं, अनुष्ठान सा कर लिया है कि अब हम ये 1000 साल से पहले कथा छोड़ेंगे नहीं। देखिए एक बात है कि भक्ति में थोड़ा धैर्य की बात आवश्यक है। जब धैर्य और संकल्प, अगर हम संकल्प न लें कि हम 16 माला नहीं करेंगे, हम करेंगे तो कभी 16 माला कर ही नहीं पाएंगे। और आप देखिए हर दिन आपको सत्र बना बना करके माला करना होता है। आप अगर अब ये सोच लें कि अरे मैं कुछ और भी कर लूंगा तो 16 माला करना मतलब लगेगा, जिंदगी में 16 ही माला करना है और कुछ और काम नहीं कर सकेंगे। हर दिन आपको सत्र बनाना पड़ता है कि भाई 2 घंटे बैठ के हम अब जब करेंगे तभी जब पूरा होता है, इजंट इट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सत्र बना बना करके हमको कथा सुनना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोगों को घर पे भी इतना तो मैं पढ़ूंगा ही, इतना तो मैं जब करूंगा ही, यह सत्र बना लेना चाहिए। छोटे छोटे सत्र बना लेने चाहिए, बहुत बड़े नहीं बना सके, ठीक है। प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पहली लाइन में बोलते हैं कि जैसे हमने चर्चा किया था कि अन्य युगों में जो अन्य प्रणाली चलती थी वह कलयुग में चलने वाली नहीं है, ठीक है। और लोगों के पास ये बोल रहे हैं कलिम आगतम आज्ञाया पे कि भाई पहले तो बड़े बड़े लंबी उम्र थी, शक्ति थी, ध्यानवान कर सकते थे, अभी कुछ नहीं चले गया। कलिम आगतम आज्ञा मतलब लोग बड़े गुणवान हो जाएंगे, उनकी आयु छोटी हो जाएगी, उनकी बुद्धि कम हो जाएगी। गुण सुने थे ना, और वो गुण हमारे अंदर ही है, किसी और के पास नहीं है। अरे भैया बहुत लंबे समय होके मरे, कितना 85 साल, अब तो वृद्ध होके मरे बोलते ना, कोई 90 मर गया, अरे अब तो जाने की उम्र आ गई है। और पहले क्या सोचेगा, अरे तो बच्चा है अभी 90 साल का है कि नहीं। वैसे मेरे मन में प्रश्न रहता है कि क्या वाकई वो लोग 25 साल में युवा होकर के हमेशा युवा बने रहते थे कि 90 साल तक बच्चे रहते थे, मेरे को ये नहीं पता सत्युग में किस प्रकार से रहते थे। 1 लाख साल का मतलब क्या, डिवाइड कैसे करते थे, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि 1 लाख साल या 60,000 साल तक कोई तपस्या कर रहा हो पत्ते खा के कैसे कर सकता है, और हम लोग की शक्ति कितनी निम्न हो गई है। देखिए हम लोग को, हम इतने समय से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो एक चैप्टर याद नहीं हुआ, और सूत गोस्वामी जी एक बार भागवत सुने और पूरी भागवत 18,000 श्लोक याद हो गए। तो इसीलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग में नम्र बनना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोई गुण है ही नहीं कि नहीं। और दिक्कत यह है कि उसके बाद भी हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है कि हम बहुत बड़े हीरो। हम सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं अहंकार आता है कि ये कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जबकि वस्तुतः पहले के युगों से कंपेयर करें तो कोई गुण नहीं। एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करके पार हो जाएंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रभुपाद इसे बातों को कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की कौन सी विधि चलेगी कलयुग में, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, इन दो ये मुख्य है। और वस्तुतः देखिए ये केवल कलयुग की बात नहीं है, श्रवण कीर्तन ये शाश्वत प्रोसेस है, शुरू से भी कह सकते हैं, और ये शाश्वत स्थिति है। जब आपको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब क्या करेंगे आप, तब सो जाएंगे क्या, तब भी भगवान की कथा सुनेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये केवल साधन मात्र नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि केवल कलयुग है इसीलिए काम करता है, ये भगवान की कथा तो हमेशा चलती आई। ध्रुव महाराज ने भी तो भगवान का नाम जप किया ना, ये बात ठीक है, ठीक है। और प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार करना चाहता है तो श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण करना चाहिए। अब आप कहेंगे प्रभु जी हमें तो रोज यहाँ पे भक्तों का संग मिलता नहीं है, तो आप पढ़िए, जब आप पढ़ रहे हैं तो साक्षात प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, और अब तो टेलीग्राम भी है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, ठीक है कि नहीं। हाँ, और एक बात बहुत बड़ा कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भारत में जन्म लिया है, कितने लोग भारतीय हैं यहाँ पे,
हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, सभी लोग भारतीय हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारतीयों का कर्तव्य है कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवत को समझें और उसका प्रचार प्रसार करें। ये प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोगों पर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं जब आप उन्हें हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए किसी भी तरह से प्रेरणा दे रहे हैं। ये भागवत नहीं समझ पा रहे, चोरी कोई बात नहीं, गीता पढ़कर कितने लोग प्रेरणा दे रहे हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कौन है वो, कहां भगवान का धाम है, क्या जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या हम अपनी स्थिति भक्ति के पहले वाली भूल गए? बताइए, मैं आपको, आप नहीं बोल रहा, मैं हम बोल रहा हूं, हम सब लोग पूरा जीवन अज्ञान में जा रहा था कि नहीं? अपने मानव जीवन की सारी शक्ति को हम वहां इन्वेस्ट कर रहे थे जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। अब हम वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं होने वाली। समझे अंत? समझ में आ रहा ना? हम अपनी शक्ति को वहां लगा रहे हैं जहां भगवत धाम जाने के लिए, जहां से रिटर्न होने वाली नहीं, और यहां भौतिक शक्ति वस्तुओं में लगाएंगे वहां से कोई रिटर्न प्राप्त नहीं होता। सब जीरो, सब मृत्यु सर्व हरस चाहम, भगवान सब खींच के लेके जाएंगे। ठीक है, हम लोग जरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को भी देखते हैं। बड़ा सुंदर वो इस पे बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स वो बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात है, वो सक्षणा का अर्थ कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मान लीजिए वो प्रश्न करें, भाई हमें तो लग रहा है कि आप लोग यज्ञ इत्यादि करने में बड़ी रुचि दिखा रहे हैं, तो भगवान को की कथा सुनने का उत्साह कैसे आ गया आप में? तो उत्तर देते हैं कि भाई ये जो यज्ञ इत्यादि था वह तो हम लोगों को एक कह सकते हैं दिखावा मात्र कर रहे थे। कह रहे हम तो दिखावा मात्र कर रहे थे, तो हमारी इच्छा तो ये थी कथा सुना जाए, और अब आ गए हैं आप, वो अगला श्लोक आए, आ गए हैं, अब आ गए हैं, तो अब कथा क्या, सॉरी कथा सुनेंगे, अब ये यज्ञ योग करने में हमें रुचि नहीं। मैंने पिछली बार भी बताया था, महाराज बोले एक साधु आया तो उसने उठा करके पानी उस यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। अब तो विश्वास हो गया ना कि हमें यज्ञ नहीं करना है। और अपने जीवन में देख लीजिए, अब आपको कहूं कि भाई अग्निहोत्र यज्ञ करना है कल से, तो कौन करना चाहेगा? देखिए, हम उसका असम्मान नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि कलयुग में वो चलने वाला नहीं है, ना कोई ब्राह्मण है करने वाला, ना सामग्री है, उससे कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। पर मुख्य रिजल्ट क्या है? भगवत प्रीति जो होती रही। और वह सक्षणा को बोलते हैं कि ये जो अवसर प्राप्त हो गया है, आप आ गए हो, हमारी कथा सुनने की रुचि है, और हम आप आ गए हो, हमें एक अवसर मिल रहा है कथा सुनने का, तो हम कथा ही सुनना चाहते हैं। और दूसरा सक्षणा का अर्थ है कि बड़ी आनंद है कथायाम सक्षणा हरे, मतलब ऐसा नहीं कि हम अब ठीक है रोज भागवत सुनना चाहिए तो हम भी सुन लेते हैं, ऐसा नहीं, बड़े आनंद से हम कथा को सुनना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आप कथा को सुनाइए। ठीक है, कोई प्रश्न करना चाहते हैं संबंध में? ठीक है, हम लोग मेरे ख्याल से बहुत तेज तो नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। त्वम नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्षिताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारा इवार्णवम्। तो कह रहे हैं त्वम नः संदर्शितो, नः मतलब हमको, त्वम मतलब आप, आपका दर्शन हमको मिल गया है, धात्रा मतलब भाग्य से। क्यों? तो कह रहे हैं दुस्तरम निस्तितर्षिताम, निस्तितर्षिताम, ये जो कलयुग है जो बहुत दुस्तर है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। निस्तितर्षिताम का अर्थ है जो इस कलयुग को पार करना चाहते हैं, कैसे कलयुग को, जो सत्व हरम पुमसाम, पुमसाम मतलब इंसानों का, तो जो उनके सत्व को हर रहा है, मतलब जो भी उनका अच्छा गुण है उस कलयुग उसको हर लेता है, ना तपस्या कर पाते हैं, ना धैर्य है, स्पेशली आचार्यों ने बोला है धैर्य। 6 महीने 1 साल भजन करने के बाद कोई कहता है भगवान मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हुए, ये स्थिति है कि नहीं? प्रभु जी हम जब तो कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है। कितने साल से जब कर रहे हो आप? 6 महीने से तो हो गया करते करते, कोई धैर्य नहीं है, या फिर जब कर रहे हैं तो नींद आ रही है। थोड़ा थोड़ा देखिए तो हमारी कितनी स्थिति खराब हो गई, और हर दिन कलयुग खींचता जा रहा है, निचोड़ता जा रहा है।
तो कोई सत्व नहीं है, सत्वगुण का कोई लक्षण नहीं है, तो कैसे अगर कोई व्यक्ति पार करना चाहे और बोट भी हो, लेकिन बोट मतलब नाव के लिए नाविक चाहिए, तो कह रहे हैं कर्णधार इवार्णवम्। कर्णधार मतलब होता है कप्तान। अरे भाई अगर ट्रेन खड़ी है और ड्राइवर ना हो तो कैसे पहुंचाएगा भाई? तो हम कथा सुनना चाहते थे, लेकिन सुनाएगा कौन? तो आप आ गए हमें कथा सुनाने के लिए, कैसे? तो आप कथा से तो हम पार हो जाएंगे, हम जान रहे हैं, लेकिन कथा सुनाने के लिए कोई होना तो चाहिए। आगे जाके हम और सुनेंगे कि कथा, भाई कथा मालूम तो होना चाहिए, और भी गुण होने चाहिए उसमें। हमने सुना था परंपरा में होना चाहिए, उसको वह धन के लिए नहीं करना चाहिए, सब होता है। तो ये सब गुण तो शौनकादि ऋषि पहले से जानते हैं। तो कह रहे हैं हमारी कथा सुनने की इच्छा थी और कथा से जीव पार हो जाएगा, और आप कथा सुनने के लिए आ गए, तो ऐसा हो गया कि बोट भी मिल गई और नाविक भी मिल गया। तो यह भगवान का अतिशय कृपा है। ठीक, हम आगे श्रीधर स्वामी अनुवाद देखते हैं प्रभुपाद का। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सकें। ठीक है, सीधा स्वामी जी की टीका। एक पॉइंट ये है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है तो भगवान उसकी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि उसको बहुत अधिक मेहनत ना करनी पड़े। मेरा जीवन का स्वयं का अनुभव है कि जिस दिन मैं अपने कंपनी छोड़ करके ज्वाइन करना चाह रहा था, तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए का लोन हमको दिया हुआ था। तो मैंने कहा कि आपका लोन चुकाने के लिए मुझे और 8 महीने काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप जाइए, ये तो उनकी उदारता है और जो भगवान ने उनको कृपा किया। उस दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, मेरा NTPC में काम करता था, 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड था। मैंने HR में फोन किया, HR वाले के मुंह से कभी नहीं निकल सकता कि तुम चले जाओ, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं बोल सकता वो, डराते रहते हमेशा। तो मैंने कहा सर क्या होगा, देखिए मुझे तो ज्वाइन करना है इसका, मैंने काम करना ही नहीं है, आप रख के क्यों करोगे, फालतू में क्यों पैसे दोगे मेरे को? तो मेरे कह रहे और होता है ना बॉन्ड होगा, कोर्ट केस होगा, क्या होगा? कहते कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। तो उस दिन से मैंने विश्वास देखा है कि जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान सारे रास्ते खोल देते, सारे रास्ते खोल देते। क्योंकि जितना आग्रह हमारा भगवान को प्राप्त करने का है, उससे अरबों करबों गुना अधिक भगवान चाहते कि मेरे पास आ जाए। अभी आगरा में पिछली बार आगरा में हमारे एक भक्त हैं, उनका लड़का भाग गया था दिल्ली तक, और बेचारे पागल हुए जा रहे, कहां गया लड़का, कहां गया लड़का। अरे लड़का तो है ही नहीं, झूठा लड़का है वो, इन द सेंस ये तो जगत के संबंध झूठे हैं। तब हम इतना परेशान हो जाते कि हमारा लड़का कहां गया, हमारा लड़का कहां गया। और हम सब लोग भगवान के शाश्वत बच्चे हैं, कितना भगवान का आग्रह है कि हम लोग वापस चले जाए, हम कल्पना नहीं कर सकते। आप इसलिए देखिए कितनी भी गलती हो, भक्ति नहीं छोड़ने देते भगवान, और इस दिन हमें छोड़ भी दिया तो अगले दिन हमें फिर लेके आएंगे। तो छोड़िए क्यों? तो उनकी कथा सुनने की इच्छा थी, और इस कारण से भगवान ने सूत गोस्वामी जी की व्यवस्था कर दी, जिससे वे भगवान के बारे में सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं ये बात तो क्लियर हो गई, हम टीका को देखते हैं। तो वह कह रहे हैं कि इस समय अर्थात जब हमारी कथा सुनने की इतनी इच्छा है, आपका दर्शन तो यह साक्षात ईश्वरणेव संपादितम। मतलब लिंक ये है कि हम लोग कथा सुनना चाहते थे, जैसे वो बोल रहे हैं सारे क्षणों को हम कथा में लगाना चाहते हैं। अब वो लिंक ये है कि हम कथा सुनना चाहते थे, ये चाहते हैं, लेकिन सुनाएगा कौन? तो आप आ गए तो हम समझ रहे हैं कि यह भगवान के द्वारा ही संपादित है, और इस कारण से वह सूत गोस्वामी का अभिनंदन कर रहे हैं श्लोक से। लिंक आप समझ पा रहे हो? अर्णव का अर्थ वो बता रहे हैं, अर्णव मतलब होता है सागर। तो जो है जैसे सागर को तरने के लिए नाविक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सूत गोस्वामी कलयुग रूपी दुस्तर सागर को पार करने के लिए इस भागवत ग्रंथ को बोले हैं। मेरे को एक भक्त बता रहे थे, बड़ा अच्छा, वो भी आचार्यों की टीका तद्धि पढ़ते हैं, कि भागवत बहुत मुश्किल ग्रंथ है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा बोला है कि कलयुग के लोग भी समझ सकें ये बात। और देखिए आप देख रहे होंगे समझ में आ भी रहा है,
तो ये है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सही में बहुत। आप जब देखेंगे चतुश्लोकी भागवतम जो भगवान नारायण ने बोली थी, बड़ा मुश्किल है समझना क्या बोलना चाहते हैं, क्या क्या इसका अर्थ है, लेकिन विस्तार रूप में इसको सुखदेव गोस्वामी ने बोला ताकि हम बड़ी आसानी से समझ सके, और उस पर भी आचार्यों ने टीका करी तो कि हम और आसानी से इसको समझ सकें। उसके बाद भी प्रभुपाद जी ने टीका करी तो हम बिल्कुल ही समझ जाए ठीक है, और फिर भी हम समझ नहीं पाते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे। पहले है कह रहे हैं कि कलयुग मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? कहते हैं कि मानव जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, तो लोग आत्म साक्षात्कार तो नहीं कर रहे हैं अपितु वो कह रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की? और करने की जरूरत भी है तो 24 सेकंड, कल माता जी बोल रही थी अरे भगवान 24 घंटे तुमको दे रहे हैं, कम से कम 24 सेकंड तो उनका स्मरण करो। तो हमने कहा भाई, फिर मैंने वही सांस वाला उनको ड्रामा करवाया, हमने कहा सांस छोड़ दीजिए भाई, तो आज जो आदमी 24 घंटे आपको जिला रहा है उसके लिए खाली 24 सेकंड निकालेंगे आप? ये स्थिति है कलयुग। लोग गिरे तो हुए हैं और इतने गिरे हैं कि कोई भजन करता है तो उसको भी अभी उसको मतलब कह सकते हैं क्या, निरुत्साहित करते हैं। एक लड़का है उसने अभी आश्रम हमारे ज्वाइन किया, तो आज जब कर रहा था तो दूसरा भक्त आके बोला अरे ये ड्रामा कब तक करते रहोगे? और भक्त के भक्त नहीं कह सकते उसको, अब क्या बोला जाए, उसका दिमाग भी था। अरे कोई भजन कर रहा है, कोई सो रहा हो तो उसको डांटो भाई तुम सो रहे हो, जो अच्छे से जब कर रहा है उसको क्यों बोल रहे हो कि ड्रामा क्यों कर रहे हो? जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक भक्त बोले देखते कब तक रहते हो, हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा जो जो लेके आया है वही रखेगा। तो कभी कभी एक तथा कथित तो भक्त भी इस प्रकार से बोल दे भाई, कोई अगर भगवान के पथ पे आगे बढ़ा तो उसे एनकरेज करना चाहिए, बहुत अच्छा है, भगवान करे तुम रहो, भगवान तुम करे तुम सेवा करो, ऐसा बोलना चाहिए। तो देखते कब तक रहोगे, तो कलयुग का प्रभाव इस प्रकार से लोग बोलते हैं। और मैं मुझे याद है कि मेरे घर में जब मैं एज ए स्टूडेंट भक्ति कर रहा था तो बोला एक आए महात्मा, बोले अरे ये तो बच्चों का खेल है, देखें कुछ दिन रहेगा घबराइए मत, मेरी माँ को बोल रहे थे, कुछ मत कुछ दिन का खेल है खत्म हो जाएगा, ऐसा करके लोग बोलते हैं। वो सोचते हैं ये आत्म साक्षात्कार वगैरह तो कोई भी कुछ ऐसी भ्रांति की बात है, कुछ होने वाला तो है ना ऐसे कुछ, ये ऐसे लोगों की भावना है। और कुछ लोग तो कहेंगे जरूरत ही नहीं है उसकी। और स्पेशली आप देख रहे हैं कलयुग में लोगों की जो संवेदनशीलता है वे कम हो गई, बड़ा कठोर बोलते हैं, कठोर हृदय है, ये सब रजगुण तमगुण के बढ़ने की वजह से। तो ये सत्व हरम पुंसांग का अर्थ यही है कि जो चेतना है वह एकदम दूषित होती चली जा रही है, तो मानव जीवन का लक्ष्य जो है वह समझ नहीं पा रहे। ये बहुत ध्यान रखिएगा, आगे बात आएंगी सब, कि जिसको ये समझ में आ गया कि विष्णु ही उपास्य है, कृष्ण भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको ये समझ में आ रहा है कि मैं कृष्ण की उपासना करूंगा वही उपास्य है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपको लगता बहुत है सामान्य लेकिन है नहीं, और आप पूछ लीजिएगा, आप लोग प्रचार करेंगे तो समझ में आएगा, कोई कहे ये भगवान है कोई कहता वो भगवान है। जिसके समझ में आ गया कि कृष्ण ही भगवान है, प्रभुपाद जी बोलते हैं 40% जीवन परफेक्ट, 60% मेहनत कर लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो समझ में आ गया कि भगवान का धाम है मेरे, वो राध्य है, मैं उनके स्वामी, वो मेरे स्वामी है, उनकी ही सेवा करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको अगर विश्वास नहीं होता प्रीचिंग कीजिए तो देखिए क्या मतामत आते हैं लोगों के। कुछ लोग कहेंगे कृष्ण हैं लेकिन वो तो अभी 5-4 साल पहले थे, वो तो शाश्वत नहीं है, ये शाश्वत तो जानते नहीं है लोग, शाश्वत मतलब क्या वो जानते ही नहीं। ठीक है, तो प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं कि पागलपन में वे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, तो उसमें समय लगाना नहीं चाहते। और उसका कारण क्या है, बहुत जबरदस्त, वो कह रहे हैं कि पूरी शिक्षा पद्धति केवल इंद्रिय तृप्ति की ओर ही है, केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि पैसा आ जाए, पैसा से क्या होगा, हम लोग पैसे से भगवान का अल्टर बनाएंगे और ठाकुर जी को स्थापित करेंगे, है ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना सारे लोग, नहीं पिक्चर देखेंगे, होटल में जाएंगे, भोग करेंगे, ये सारा कुछ जो है सुख सुविधा आप नहीं कह सकते, इंद्रिय तृप्ति का एक धारणा है। ठीक है, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। कितने टीचर यहाँ पे हैं, 1-2-3 बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं बोल दूं क्या तो बुरा लग जाएगा, छोड़ दीजिए। लेकिन वैसे ये क्या, तो अब क्या बोला जाए, आप लोगों का तो खैर इसमें हम कह सकते हैं कोई दोष नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आजकल, लेकिन वस्तुतः
हम लोग को, मैं आप लोग तो भक्त हैं, आप लोग को जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, लेकिन देखिए अगर बचपन से बच्चे को पढ़ाया जाए कि कृष्ण भगवान है, तुम उनका भजन करो, और तो बचपन से वो स्वाभाविक रूप से भक्त बन जाएगा। और यह है शिक्षा पद्धति भारतीयों की थी 1900 तक, ये आप जानते हैं ना, ये जो शिक्षा पद्धति दी गई है केमिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी वाली, ये जानबूझ के दी गई ताकि हम लोग भगवत गीता भागवत को ना पढ़ें, है ना, ये बहुत बड़ा प्लान था। और ने बोला हम भारतीयों को तब तक नहीं दबा सकते जब तक कि हम की शिक्षा पद्धति को चेंज नहीं करें। बड़ा फेमस था स्टेटमेंट कि यहां कोई भिखारी नहीं है। और मैं आगरा में प्रीचिंग करने जाता हूं तो वहां पे वो जो बाबा जी है, मतलब सबसे वृद्ध, कहते हैं हम लोगों को गवर्नमेंट नौकरी देने आई थी, हम कहते हम काहे को करेंगे नौकरी, खेत है हमारा, हम क्यों करेंगे नौकरी, ऐसे झड़क दिया हमने, कहा हम नौकरी नहीं करेंगे। हाँ, मैं कॉलेज शिक्षा प्रति, ताकि जानबूझ करके हमारे मन में भावना आ जाए कि हम जब तक नौकरी नहीं करेंगे तब तक हम जी नहीं सकते, ये सब किताब। जबकि जीने के लिए हर व्यक्ति को खेत से ही जीना पड़ रहा है। खैर वो सब बातें हम, बहुत लंबा विषय है, लेकिन एक बहुत गंभीर बात यह है कि आध्यात्मिक शब्द एक बच्चे को सुनने को ही नहीं मिलता। हम सब लोगों के संग ऐसे तो हुआ ना, आध्यात्मिक शब्द सुनने को ही नहीं मिलता कि भगवान का धाम है, भगवान है, कुछ भी सुना नहीं पड़ता। तो ठीक है, अब हम पूरा तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को कम से कम जितना समय है अपनी नौकरी इत्यादि को छोड़ करके, वह भागवत भगवद गीता को पढ़ करके जितने लोगों को हम बता सके, समझा सके, करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और एक और बात समझिए, कोमा में भी लोग गीता सुन सकते हैं। कोमा समझते हैं आप लोग, मैंने पहले मैं बता देता हूं ताकि आप सोचे ना, अरे भाई ये तो माता जी पढ़ती पढ़ी लिखी नहीं है, इनको गीता में पढ़ाऊंगी या सुनाऊंगी वो क्या समझेगी। अरे उसके पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, केवल सुनने मात्र से व्यक्ति के हृदय में भगवान उसको, उसके हृदय को साफ करने लगते। समझ में आ रही बात? तो कोई पढ़ा लिखा भी ना हो उसको, आप सब लोग परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कृपया लोगों को बताइए, और उस बताने के प्रोसेस में हम सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो खैर अब इस सारे ये, और इसको हम रोक भी नहीं सकते, कलयुग का प्रभाव है, इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति है वो चलेगी ही, लेकिन अगर कोई भागवत का आश्रय लेता है, भगवत गीता का आश्रय लेगा, तो वह निश्चित रूप से प्रकाश को प्राप्त करेगा, अपने जीवन में समझ पाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो पार हो सकता है। और यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये नाम क्या है, श्रीमद् भागवतम या भगवत के रूप में भगवान कृष्ण का जो संदेश है ये है नाव, और नाविक कौन है, सूत गोस्वामी जी जो इस कथा को हमको बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक है और ये है लास्ट प्रश्न है, मैं जरा एक मिनट देख लेता हूं कि विश्वनाथ चक्रधर जी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कर्णधार पे बस खाली बोलते हैं पायलट ऑफ द शिप, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ ज्यादा बोलते। आखिरी श्लोक है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनो पेते धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि का अर्थ है आप कहिए कि योगेश्वर जो सभी योग सिद्धियों के स्वामी हैं कृष्ण, ब्रह्मण्य जो, ब्रह्मण्य का अर्थ है यहां पे प्रबलता प्रपात का तात्पर्य है, कहते हैं परम सत्य भगवान, धर्म वर्मणी मतलब जो धर्म की रक्षा कर रहे थे। जब भगवान कृष्ण यहाँ पे थे तो कलयुग अपने प्रभाव को विस्तारित नहीं कर पा रहा था, तो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा कर रहे थे। तो कह रहे हैं स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, काष्ठाम यहाँ पे धाम, स्वाम मतलब अपने, जब भगवान अपने धाम को चले गए, अब अधुना मतलब अभी इस समय भगवान अपने धाम को चले गए हैं उपेते, तब धर्म कह शरणम गतः, भगवान कृष्ण जब यहां पे थे तो धर्म की रक्षा कर रहे थे, अब जब भगवान चले गए हैं तो धर्म ने किसकी शरण ली, यह छठा प्रश्न है। जरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, पहला प्रश्न था कि श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ श्रेय साधन क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है। दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है जिससे आत्मा प्रसन्न हो। तीसरा, कृष्ण किस विशेष प्रयोजन से जन्म वसुदेव देवकी में प्रकट हुए।
चौथा कृष्ण के चरित्र को बताइए, पांचवा अवतारों की कथा बताइए, और छठा हम ये देख रहे हैं कि भगवान जब अपने धाम को चले गए हैं तो धर्म ने किसकी शरण ली है। उत्तर क्या है? श्रीमद् भागवतम। मुझे भक्त बता रहे थे पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान अपने धाम को गए और भागवत में प्रवेश कर गए, लेकिन परंपरा में ज्ञान प्राप्त करेंगे भागवत तब। तो जितना समय आपका नौकरी तैयारी से बाद बच जाता है, बस उसको आप लोगों को भागवत में लगाइए, भगवत गीता में लगाइए, बड़ा आपको प्रसन्नता होगी। और कम से कम आप भगवान की कृपा से हम लोग सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस उतना पढ़ रहा हूं आप लोग के साथ में, तो आप लोग इतना जरूर कर रहे हैं कि जितना हम पढ़ा देते हैं उतना पढ़ लीजिए, और कम से कम 3-4 श्लोक आगे के पढ़ते पढ़ के तात्पर्य से आइए। अभी समाप्त नहीं हुई क्लास। श्रीधर स्वामी जी की टीका देखते हैं, अनुवाद देख लीजिए हम लिखते हैं। चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। श्रीधर स्वामी की टीका देखता हूँ, छोटा सा तात्पर्य है ये। ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वह समझ रहे हैं कि भगवान अब यहां पर चले गए हैं, तो जो लोग अब कलयुग से अंधे हो गए हैं वह धर्म को कैसे समझेंगे। इसको आगे आएगा, कली नष्ट दृष्टामेशा पुनानार्को धुनोतितः। इस कलयुग के द्वारा जिन्हों की दृष्टि एकदम नष्ट हो गई है उनके लिए भागवत सूर्य के समान उदित हो गया है। ये उत्तर है, आगे जाकर आएगा। तो इसलिए इस प्रश्न को कर रहे हैं कि अब लोग कैसे समझेंगे कि धर्म क्या है, धर्म की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब लोग धर्म पे चलें। केवल भाषणबाजी से धर्म की रक्षा नहीं होती। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि अगर कृष्ण भावना के सदस्य 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो कहीं भी प्रचार करेंगे तो वह प्रचार होगा। तो अगर हम स्वयं भागवत धर्म का आचरण नहीं करते तो भागवत धर्म को स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे वो कहते हैं टीका में, धर्मस्य वर्मणि कवदवद रक्षके। जैसे कोई कवच शरीर की रक्षा करता है, ऐसे भगवान धर्म की रक्षा कर रहे थे। और काष्ठाम का अर्थ है मर्यादा अर्थात स्वरूप। भगवान अपने धाम अपने स्वरूप को चले गए तो उसके बाद धर्म ने किसकी शरण ली। तो मुझे लग रहा है तो समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कह रहे हैं धर्म भगवान के द्वारा दी गई आचार्य संहिता है। हम अपने मन से धर्म का निर्धारण नहीं कर सकते। धर्मम तो साक्षात भगवं भगवत प्रणीतम। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि जब धर्म की ग्लानी होती है, आप जानते हो भगवान अवतरित होते हैं, तो जिस प्रकार से भगवान अन्य अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के रूप में अवतरित होकर भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। और जो कोई बात श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है वह धर्म को समझ पाएगा, उसे क्या करना है वह भी कर पाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है, इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। भगवत ज्ञान क्या है, मैं कौन हूं, मेरे को क्या करना है, भगवान से क्या संबंध है, कैसे पहुंचूंगा, भगवान का धाम क्या है, भगवान क्या है, सारा कुछ वर्णन है। तो इसका जो श्लोक का उत्तर है वह आगे आपको तीसरे अध्याय में प्राप्त होगा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो यहाँ रुकेंगे हम लोग। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।